Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome you all to the fourth week of Flutter course offered by Antonix. So this is the session one, part one. So जो आज के हमारे content है, आज का जो हमारा aim है, वो है जो local databases हैं या remote databases हैं, specially जो NoSQL database है हमारे पास Firebase, उसके साथ हम काम करेंगे, सही है? But जो हमारे कंटेंट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है जेसॉन डेटा मैनेजमेंट, मतलब जेसॉन में हम डेटा सेंड कैसे करेंगे, जेसॉन से डेटा रिसीव कैसे करेंगे, एंड देन वी वर्क ऑन हम एक फायरबेस पे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सही है? जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोजेक्ट के अंदर वो करेंगे, एंड देन वी विल डू सम डेटाबेस वर्क ओवर देयर एज वेल. तो वहां से हम कुछ डेटा उठाएंगे अपने एप्लीकेशन में, उसको फिर डिस्प्ले करेंगे, सही? सो ये आज का हमारा एम होगा. जो बाकी टॉपिक्स हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ काम करना, एसक्यूएलआईट डेटाबेस के साथ काम करना, और फायरबेस जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं उसके साथ काम करना, तो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट सेशन. तो वो उसको हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद जेसॉन बेसिक डेटा मैनेजमेंट. तो जेसॉन डेटा मैनेजमेंट से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि जेसॉन हमारे पास एक्चुअली होता क्या है. जेसॉन एक्चुअली हमारे पास दिस इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सही है? हमारे पास एक डेटा सेंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है कि डेटा हमारे पास कैसे, हम किस फॉर्मेट में हम डेटा सेंड करेंगे. और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, एंड वन ऑफ देम इज जेसॉन, जो कि मोस्टली यूज होता है. सो जेसॉन में हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, दिस इज एक्चुअली अ की वैल्यू पेयर्स. अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि व्हाट आर की वैल्यू पेयर्स, सही है? सो लेट्स सपोज ये देखें, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, सही है? तो इसमें क्या है, इसमें ये एक की है और ये उसकी वैल्यू है, सही? अब जेसॉन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये अच्छा, तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये वैल्यू है उसका, ये की है और ये उसकी वैल्यू है, सही है? अच्छा, डायरेक्ट वैल्यू के बजाय हमारे पास एज अ वैल्यू एक और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जेसॉन का. तो ये हमारा जो है ना सेकंड जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, सही है? सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सही है? और ये उसके अंदर जो है ना एक नेस्टेड एक और ऑब्जेक्ट है, सही? सो दिस इज हाउ अ जेसॉन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक. दूसरी बात उसमें ये कि आप जेसॉन में एक अरे भी डाल सकते हैं, तो ये हमारे पास एक अरे है, सही है? स्कोर्स में हमारे पास फिर अरे ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट्स है, सही है? तो जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर और नेस्टेड जेसॉन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर अरेज भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो मल्टीपल दूसरे फॉर्मेट्स हैं वो हो सकते हैं. तो जेसॉन का जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली यूज होता है रिमोट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सही है? लेट सपोज मुझे कुछ डेटा चाहिए अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक डेटाबेस से कि यार मुझे ये डेटा प्रोवाइड करके दें. तो वो मोस्टली जो प्रोवाइड करते हैं डेटा वो हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में होता है. सो दिस इज हाउ जेसॉन फॉर्मेट इज. अगर ये चीज क्लियर है तो अभी हम आते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, और आपको मैं जेसॉन का थोड़ा सा और थोड़ी चीजें और बता दूं कि जेसॉन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर हैंडल कैसे करेंगे, सही है? तो जेसॉन ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए मैं ज्यादा कुछ डिटेल में फिर नहीं जाता, वो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, बट एनी हाउ इनिशियली आपको जेसॉन ऑब्जेक्ट की समझ आनी चाहिए. तो फॉर टाइमिंग टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए हम करते हैं ये जो हमारे पास यूआई है उसके अंदर स्क्रीन है, स्क्रीन में हम होम स्क्रीन पे जाके लेट्स सपोज अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सही है? असल में यहाँ पे हमारे पास जो मैप है ना मैप, तो इसमें भी वही की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, सही है? तो मैप हम एक जेसॉन ऑब्जेक्ट को, जेसॉन ऑब्जेक्ट जब हमारे पास डार्ट में आता है तो वो एक मैप के फॉर्मेट में होता है, सही है? और मैप में भी वही हमारे पास की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, सही है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको मैं करता हूँ मैप, एंड मैप का फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रिंग. तो ये हमारे पास की है, ये की हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो उसको हम डायनेमिक रख लेते हैं, सही है? और इसको मैं कर देता हूँ जेसॉन. ओके,
तो यहाँ पर अच्छा, तो ये जो जेसॉन का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, इसको मैं उठा के यहाँ पे इसी को यही पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सही है? सो दिस इज हाउ अ जेसॉन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक डार्ट के अंदर भी। सही है? तो अब ये देखें, ये हमारे पास इसमें क्या है जेसॉन में, इसमें ये देखें हमारे पास ये की है, ये इसकी वैल्यू है। तो की का टाइप क्या होगा, की का जो टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, और ये टाइप हमने डायनेमिक रखा हुआ है कि मतलब ये कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम डायनेमिक रख दिया है। सो दिस इज अ स्ट्रिंग नेम एंड ये उसकी वैल्यू है। सो दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, एंड अगेन हमारे पास ये स्ट्रिंग की है और ये उसकी वैल्यू है। जबकि यहाँ पर देखिए एड्रेस जो है, एड्रेस के अंदर हमारे पास अब ये क्या है, ये एक और जेसॉन का ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से अब ये देखें, ये की है स्ट्रिंग, ये इसकी जो वैल्यू है ये इसको हमने डायनेमिक रखा हुआ है। सॉरी, तो ये हमारे पास एक जो मैप्स होते हैं, एक्चुअली मैप को हम एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि जेसॉन में भी हमारे पास वही होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और मैप्स में भी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स ही होता है। सो दिस इज हाउ। अच्छा, अब इस मैप को हमने मैनिपुलेट कैसे करना है, अब जेसॉन है, जेसॉन से लेट सपोज अगर मैंने ये नेम निकालना है तो उसको मैं कैसे निकालूंगा यहाँ से। सही है? लेट सपोज आपको, आपने जेसॉन से क्या निकालना है, ये नेम निकालना है। सही है? आपको नेम की वैल्यू चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, और उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इस जेसॉन से वो नेम का की मतलब ये नेम चाहिए मुझे। सही है? तो आप इसको कैसे लेंगे, जेसॉन, और इससे जो नेम है इसकी की क्या है, इसका इसकी जो की है वो हमारे पास है नेम। अच्छा, एज एन इनिशियलाइजर, तो इसको हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, चलिए इसको हम एक्सेस करते हैं इनिट के अंदर। सही है? तो नेम को हम नेम हम करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, जेसॉन, और अगर आपने जस्ट वो नेम आपको चाहिए तो इसको हम बाय नेम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सही है? तो अब इससे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपको मैं बताता हूँ, वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और उसको मैं करता हूँ नेम, ये चले, इसको मैं करता हूँ नेम, उसको मैं करता हूँ डॉलर नेम। सही है? तो लेट सपोज अगर आपके पास ये जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, इससे आपने ये नेम नेम की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करते हैं, ब्रेसेस के अंदर आप उसकी उसका जो की है वो की लिखते हैं। सही है? एंड चले इसको हम देखते हैं कि इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसको असल में एप्लीकेशन कमीशन दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ कि अच्छा, उसके लिए मुझे बार बार स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। चलो एनी हाउ टेस्टिंग है, हम कर लेते हैं इसको भी। अब ये देखें, वहां पर मैंने प्रिंट किया था ना कि नेम क्या होगा, सो दिस इज हाउ ये नेम हमारे पास उसका प्रिंट हो रहा है। सही है? तो ये नेम यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू ली है। सही है? और यहाँ पर उससे हमने वो नेम का जो ऑब्जेक्ट है वो निकाल दिया है। सही है? अच्छा, ये तो अगर ये अगर आपको समझ आ गई है तो ये क्लियर है। सही है? अच्छा, लेट सपोज मेरे पास ये जेसॉन का ऑब्जेक्ट है या की वैल्यू पेयर है मेरे पास, और इसके अंदर ये देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है पूरा। सही है? अब इसमें ये एक की है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे, लेट सपोज मैंने ये वैल्यू एक्सेस करनी है, ये वैल्यू। सही है? तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसको हम लेट सपोज मैंने एड्रेस एक्सेस करना स्ट्रिंग एड्रेस। सही है? तो एड्रेस को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, जेसॉन, जेसॉन का ऑब्जेक्ट है। सही है? जेसॉन का ऑब्जेक्ट के अंदर वो एड्रेस में है। सही है? तो यहाँ पर एड्रेस, अच्छा लेकिन अगर आप ये देख लें कि जेसॉन एड्रेस हमारे पास बाय इटसेल्फ एक अदर जेसॉन ऑब्जेक्ट है। सही है? तो हम क्या करेंगे,
उस जैसा ऑब्जेक्ट के अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है की वैल्यू है वो हमने निकालनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अब ये चीज हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना, तो नेस्टेड से निकालने के लिए हमारे पास हमने क्या करना है, एड्रेस के अंदर, और एड्रेस के अंदर जाके हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, हाउस नंबर वाली वैल्यू निकालनी है। सही है, या मैं इसको हाउस नंबर कर देता हूँ, एड्रेस को मैं हाउस कर देता हूँ और यहाँ पे उसको भी हम प्रिंट कर देते हैं हाउस नंबर, एंड इसको कर देते हैं डॉलर हाउस। अब ये देखें एरर कहाँ आ रहा है, ये इसको मैं आपको प्रिंट करके देता हूँ, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ओके सो दिस वाज नल, दिस वाज कॉल्ड ऑन नल। अच्छा एड्रेस हमने गलत एक्सेस किया है, एड्रेस का कीवर्ड हमारे पास क्या है, ADDRESS, जबकि हमने यहाँ पे गलत कीवर्ड लगाया हुआ है। सही है, दोबारा करते हैं ट्राई। आपको समझ आ जाएगी जो भी ना, उसके लिए ये करते हैं कि अभी हम दोबारा से स्क्रीन पर इसको मैं डिलीट कर दूं, ये देखें सही है, तो उसने वहां से वो हाउस नंबर निकाल दिया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही है, अब ये देखेंगे हमारे पास क्या है, ये जैसा का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है नेस्टेड। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज को मैं कर देता हूँ इसको क्या करें, जस्ट करते हैं टेस्ट। सही है, और इसके अंदर एक और जेसॉन का ऑब्जेक्ट है। सही है, सही है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज अ टेस्ट नेस्टेड, दिस इज टेस्ट, ओके तो यहां पर हमने ये। अच्छा अब ये देखें, ये हमारे पास जेसन का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, और टेस्ट के अंदर फिर हमारे पास कौन सा की है, टेस्ट नेस्टेड। अगर हमने सपोज इसको एक्सेस करना है, इसकी जो वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे लेट सपोज ये हमारे पास है ना, तो उसको मैं कर देता हूँ टेस्ट टेस्ट, और ये अब ये देखें जेसन का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने जाना है एड्रेस में, तो एड्रेस। सही है, अब फिर एड्रेस के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, एड्रेस के अंदर टेस्ट का ऑब्जेक्ट है। सही है, फिर हमने जाना है टेस्ट के ऑब्जेक्ट में। सही है, अब टेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है ना, टेस्ट के अंदर फिर हमारे पास है नेस्टेड टेक्स्ट, टेस्ट नेस्टेड, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। चलें इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं। इसको मैं बैक पे जाके दोबारा से स्क्रीन पे आता हूँ। अब ये देखें हाउस नंबर, वो नेम भी उसने एक्सेस कर लिया है। सही है, टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्ट है, टॉप लेवल का जो की वैल्यू दे रहा, उसके अंदर फिर हाउस नंबर भी उसने एक्सेस कर लिया है, फिर वो थर्ड लेवल पे जाके वो उस टेस्ट को भी उठा रहा है। सो दिस इज हाउ जेसॉन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। सही है, सो शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेसॉन मैनिपुलेशन का। आई होप इस क्लियर, अब इसको दोबारा दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस और भी करेंगे, बट दिस इज हाउ जस्ट इनिशियल लेवल की इसकी इंट्रोडक्शन है। सही है, सो जेसॉन हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब जेसॉन इनकोडिंग डिकोडिंग ये करेंगे। अब जेसॉन को हम एक ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम जेसॉन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सही है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फायरबेस की तरफ। सही,
जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो फायरबेस में अपना डेटाबेस सेटअप करना है और उससे हमने डेटा कुछ उठाना है, सही। तो हम करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, सही है। व्हाट इज फायरबेस? तो फायरबेस हमारे पास गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि मुख्तलिफ सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करते हैं फायरबेस उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फायरबेस को थोड़ा देखते हैं। जस्ट आपने जाना है console.firebase.google.com पे, सही है। अगर आपका जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है तो जीमेल अकाउंट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो जीमेल अकाउंट बना के आप यहाँ पे लॉग इन हो जाए तो आपका ये एक्सेस होगा, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आपको मैं फायरबेस में एक पॉजी क्रिएट करने का तरीका दिखाता हूँ। तो जस्ट जस्ट हमने ये करना है, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करते हैं, सही है। इसको मैं कर देता हूँ एंटोनिक्स म्यूजियम, सही है। इसको हमने दे दिया है एंटोनिक्स म्यूजियम का नाम। इसको आप इनेबल ही रखें, बेहतर है। आपने यहाँ से कंट्री कोड सेलेक्ट करनी है, अच्छा अकाउंट, सॉरी अकाउंट कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आप इसको डिफॉल्ट अकाउंट ही रखते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी इन दिस अकाउंट, सही है। वो बिल्कुल उसको उसी को जिस तरह है उस तरह रखने दें। सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, सही है। तो फायरबेस हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनमें हमारे पास डेटाबेसेस भी हैं, जिसको हम रियल टाइम डेटाबेसेस भी कह सकते हैं, उसको हम नो सीक्वल डेटाबेस भी कहते हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारे और सर्विसेज और भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे पास नोटिफिकेशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी फायरबेस का। सो दिस इज हाउ, जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो दिस इज हाउ फायरबेस मेन डैशबोर्ड लुक्स लाइक, सही है। अच्छा, फायरबेस का जो मेन डैशबोर्ड है, ये हमारे पास मेन डैशबोर्ड है, सही है। अभी हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास है ऑथेंटिकेशन है, क्लाउड फायर स्टोर है, रियल टाइम डेटाबेस है। अब ये दोनों हमारे पास डेटाबेसेस हैं, सही है। फिर हमारे पास स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं। डेटाबेसेस में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज में हम जो फाइल्स वगैरह अगर आपकी हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल्स हैं, लेट्स सपोज इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप इसमें रख सकते हैं। होस्टिंग है, तो होस्टिंग में आप अपना पूरा वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस हैं, सो फंक्शन को फिलहाल छोड़ दें, मशीन लर्निंग की भी उसमें बहुत सारे काम है, क्लाउड फंक्शन इसको हम बोलते हैं। इसके बाद क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रैशलेटिक्स। क्रैशलेटिक्स मतलब लेट सपोज अगर आपने एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है तो आपको तो यूजर का अंदाजा नहीं होगा कि वहां पर यूजर बिहेवियर, यूजर का एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, कहाँ कहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने उन चीजों को ट्रैक करना है तो आप इसके थ्रू क्रैशलेटिक्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास परफॉर्मेंस का सेक्शन है, टेस्ट लैब्स हैं, इसमें अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैब यूज करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स का सेक्शन है, आप अपने ऐप एनालिटिक्स इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें है ये सेक्शन, यहाँ से आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस, ये मतलब एडवांस की चीजें हैं। क्लाउड मैसेजिंग है, क्लाउड मैसेजिंग एक्चुअली आपके पास जो नोटिफिकेशन आते हैं, लेट सपोज फेसबुक के जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो सेम फंक्शनलिटी आप यहाँ वहाँ यहाँ से यूज कर सकते हैं। इन ऐप मैसेजिंग है, ये बहुत सारे फीचर ये प्रोवाइड करते हैं, बट राइट नाउ इसमें हम जो यूज करेंगे वो ऑथेंटिकेशन का यूज करेंगे एंड क्लाउड फायर स्टोर यूज करेंगे, सही है। जस्ट इंट्रोडक्शन होगा उन चीजों का भी। अगर आपने एडवांस में करना है, बहुत एडवांस में जाना है, तो उसके लिए फिर पूरा एक अलग कोर्स हो तो फिर कवर हो सकता है एक शॉर्ट से कोर्स में, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए ये काफी है। सो हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आना है क्लाउड फायर स्टोर में, हमने क्लाउड फायर स्टोर यूज करना है, सही है। राइट नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपना एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस इसमें हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, तो उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जस्ट हम आते हैं यहाँ पे अपने टेस्ट मोड में आके उसको ऑन करना है। एडवांस में ना जाए फिलहाल, ये फिर क्लाउड क्लाउड की जो चीजें हैं उनकी तरफ हम चले जाते हैं, क्लाउड आर्किटेक्चर की तरफ, तो उसको हम ज्यादा नहीं चढ़ते। जस्ट अपना एक अपना फायर स्टोर हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा।
जब तक ये हमारा डेटाबेस क्रिएट करें, ओके आई थिंक वी लेफ्ट इट इन द मिडल, अच्छा अब हमारा यहाँ पे फायरबेस का प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया है, हमने फायरस्टोर के एक डेटाबेस भी यहाँ पर बना लिया है, सही है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फायरबेस को अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना होगा, सही है। तो बिफोर कि हम यहाँ पे स्टार्ट करें, यहाँ पे जो चीजें हैं उसको देखें, उससे पहले हम जाते हैं अपना एप्लीकेशन यहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसके साथ। तो अब जस्ट फायरबेस में हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, इंटरनेट म्यूजियम था। एंटोनिस म्यूजियम में आएंगे तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स से, और इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड एप्लीकेशन, अभी राइट नाउ हमने जस्ट फ्लटर है, तो फ्लटर में iOS भी है और एंड्रॉइड भी है, तो राइट नाउ हम जस्ट एंड्रॉइड ऐड करते हैं। अगर आपने फायर iOS ऐड करना है तो सेम स्टेप्स तकरीबन फॉलो होते हैं, सही है। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या चाहिए, एंड्रॉइड पैकेज नेम, हमारा एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम था ना वो इसको चाहिए, सही। तो पैकेज नेम आपको कहाँ पे मिलेगा जो एंड्रॉइड का है, वो एंड्रॉइड के अंदर आके ऐप सोर्स एंड मेन, यहाँ पे एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट, बहुत बहुत सारे लोकेशन से आपको ये जो पैकेज नेम है मिल जाएगा, बट दिस इज वन ऑफ देम। यहाँ से ये देखें आपका जो पैकेज नेम है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में, ये हमारा पैकेज नेम है, यहाँ से उठा के इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सही है। आपने ऐप का नाम रखना है तो उसको हम कर देते हैं म्यूजियम एंड्रॉइड ऐप, सही है। अच्छा अगर आपने ये सिक्योरिटी के लिए हम सर्टिफिकेट सेट करते हैं साइनिंग के लिए, ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम डिबग बिल्ड या बिल्ड जनरेट करेंगे एंड में तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, सही है। यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करते हैं, सही। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कह रहा है कि आपने ये डाउनलोड जो कन्फिग फाइल है गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन, इसको डाउनलोड करके इसको आपने कहाँ पे रखना है, अपने फोल्डर के अंदर आके, ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, एंड्रॉइड का जो मेन हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन का जो फोल्डर है ऐप, इस फोल्डर के अंदर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डाउनलोड करते हैं, सही। तो हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, हम जाके डाउनलोड फोल्डर में मैं देखता हूँ इसको, ये गूगल सर्विस डॉट जेएसएन, इसको यहां से कॉपी करें, इसको मैंने यहां से कॉपी कर दिया है, और इसको हमने रखना कहां पे है दोबारा से बता दूं, उसको क्लोज करते हैं। एंड्रॉइड देखें हमारा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर एंड्रॉइड का फोल्डर के अंदर ऐप का जो फोल्डर है यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, सही है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखें गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन, सही है। अब इस गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन में क्या होता है, इसमें हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये हमारा इंटरनली इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू वो जो हमारा फायरबेस का डेटाबेस है ना उसके साथ कनेक्ट होता है यहाँ से, सही है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पर मौजूद होती है, सो आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, सही है। अच्छा ऐड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये बता रहा है कि भाई आप इस तरह करें कि आप ये जो गूगल सर्विसेज है ना इसको कॉपी करें यहाँ से, सही है। और इसको कहाँ पे रखना है ये देखें जरा, ये इंफॉर्मेशन देखें, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड और ग्रेडल। अच्छा फायरबेस जो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास दो बिल्ड और ग्रेडल होते हैं, सही है। एक हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल है, इसको हमने कॉपी कर दिया है, यहाँ पे आपको दो बिल्ड और ग्रेडल्स मिलेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे देखें इस एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर जो बिल्ड और ग्रेडल है ना, ये हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल का बिल्ड और ग्रेडल है, सही है। तो इसको हमने कॉपी करना था, कॉपी कर तो दिया है वहां से, इसको हमने पेस्ट करना था कहाँ पर, ये देखें डिपेंडेंसीज के अंदर, सही है। दोबारा से कॉपी करते हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर आके इसको हमने पेस्ट कर देना है। अब ये डिपेंडेंसीज हैं तो इसके अंदर आप इसको आके पेस्ट कर दें, सही है। ये तो हो गया है। अब जो नेक्स्ट का वो बता रहा है वो क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, कॉटलिन है या जावा है। तो राइट नाउ जो बाय डिफॉल्ट आपका जो फायरबेस जो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वो कॉटलिन में होता है, सही है। तो आप यहाँ से कॉटलिन सेलेक्ट करें, सही। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने किस किस में जाना है, ऐप लेवल बिल्ड और ग्रेडल में, सही है। तो ये जो लाइन है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, हमारा जो अब ये देखिए ये हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल का बिल्ड और ग्रेडल था, सही है।
ऐप लेवल का बिल्ड और ग्रेडल आपको ऐप का जो फोल्डर है उसके अंदर मिलेगा। ये हमारे पास ऐप लेवल का बिल्ड और ग्रेडल है। तो यहाँ पर आके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना था, सही है। यहाँ पे टॉप पे पेस्ट करें, नीचे पेस्ट करें, एक ही बात है। उसको हमने पेस्ट कर दिया है। फिर ये कह रहा है कि ये डिपेंडेंसीज जो है ना आप इसमें ऐड करें, सही है। इसको हम कॉपी करते हैं, ये दोनों डिपेंडेंसीज को, इसको यहाँ से कॉपी करके ये हमारे पास है, ये डिपेंडेंसीज है, सही है। यहाँ पर इसको पेस्ट करें एंड उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये जो हमारा मेन सेटअप है वो हो गया है फायरबेस का, सही। तो यहां तक हमारा जो फायरबेस का जो मेन फायरबेस की जो मेन सेटिंग है वो हो गई है। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अच्छा फाइनली अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंक नाउ प्रेस करना है। तो यहां पर इसको शो होगा कि आपका प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है या नहीं। सो चलिए इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, तो शायद ये रीलोड हो जाए, सही है। इसके बाद यहां तक हमारी फायरबेस की सेटिंग्स हो गई। इसके बाद आप क्या करें, प्रोजेक्ट को अपना रीस्टार्ट करें, सही है। अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करें एंड उसको हम यहाँ पे अगर आपने ट्रैक करना है कि ये प्रोजेक्ट ऐड हुआ है या नहीं तो वो भी आप देख तो सकते हैं। एनीहाउ यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐड हो जाता है, सही है। तो ये मेन सेटिंग्स हैं फायरबेस का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। सो यहाँ तक हमारा जो मेन वो है वो सेटअप हो गया है। सो दीज वर सम ऑफ द स्टेप्स टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, सही है। दोबारा एक नजर देखने की तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होगी। एनी हाउ अगर आपने और एप्लीकेशंस के साथ ऐड करना है तो आप यहाँ पर और एप्लीकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, एंड्रॉइड iOS जो आपकी मर्जी है, सही है। वेब का हो, रिएक्ट नेटिव का हो, सही है। iOS एंड्रॉइड दोनों ऐड कर सकते हैं, सही। यूनिटी का भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेब का भी ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ हमने एंड्रॉइड का ऐड कर दिया है। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक, सही है सजूद। आई आंसर डायनामिक विद जेसन ऑब्जेक्ट, सही है। ये क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आंसर करता हूं एंड इन द मिडल एज वेल, ओके। तो यहां तक हमने फायरबेस का जो प्रोजेक्ट था वो ऐड कर दिया है, अपने उसको अपने हमने अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया है। तो दीज वर द स्टेप्स टू कनेक्ट आवर एप्लीकेशन विद फायरबेस, सॉरी यस फायरबेस। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फायर स्टोर, क्लाउड फायर स्टोर का। अच्छा डेटाबेसेस की आप लोगों ने डेटाबेस शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, जिस तरह हमारे पास SQL डेटाबेसेस होती हैं, जो कि हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो SQL है और NoSQL है, सही है। मतलब रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, सही है। रिलेशनल पर हमारे पास जो है ना वो SQL भी आता है और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बट जो ज्यादा यूज होती है वो SQL है। और फिर NoSQL में हमारे पास और बहुत सारे हैं। NoSQL हमारे पास जो है ना फायरबेस का जो डेटाबेस है वो भी आता है, MongoDB इज NoSQL एज वेल। सो ये कुछ जो एप्लीकेशन हैं, सॉरी डेटाबेसेस हैं, ये हमारे पास NoSQL है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हमारे पास एक्चुअली रिलेशन होते हैं, टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर जो है ना आपस में रिलेशन बना होता है। उसका एक्चुअली इसका जो प्रोसेस है ना वो स्कीमा बनाने में होता है। जो रिलेशन का आप स्कीमा बनाते हैं, आप पहले जो है ना उसका स्कीमा बनाते हैं, जब आप डेटाबेस सेटअप करते हैं पहले आप स्कीमा बनाते हैं, सॉरी डेटाबेस डिजाइन बनाते हैं, उससे आप स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा से फिर आप टेबल्स बनाते हैं, सही है। एंड टेबल्स के बाद फिर आप क्वेरीज करते हैं। जबकि हमारे पास जो NoSQL में होता है इसका जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करते हैं, डाउन से फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम अपने जो हमने जो क्वेरीज लगानी है उसको फिर हम सोचते हैं पहले उसका, उसके बाद फिर हम उसी के बेसिस पे अपना डेटाबेस का जो स्कीमा है वो सेटअप करते हैं। जबकि जो रिलेशन में मोस्टली ये होता है कि हम अपना पहले स्कीमा सेटअप करते हैं एंड स्कीमा के बाद फिर हम अपने जो है जो क्वेरीज हैं फिर वो उसके बारे में सोचते हैं।
ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब जब हमारे पास जो फायरबेस डेटाबेस है, इसमें हमारे पास दो सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक हमारे पास जो रियल टाइम डेटाबेस है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो क्लाउड फायर स्टोर है। अब रियल टाइम डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, जिस तरह यहाँ पर मैंने की वैल्यू पेयर्स की बात की है, तो इसमें भी हमारे पास वही एग्जैक्ट सेम की वैल्यू पेयर्स में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। लेट सपोज एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एनी हाउ, नेक्स्ट इसको कर देते हैं टेस्ट मोड इनेबल। इसका आपको मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। लेट सपोज हमने यहाँ पर लेट सपोज मैंने क्या क्या ऐड करना है इसमें, देखिए इसमें इस टाइम की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं हमारे पास। लेट सपोज मैं करता हूँ नेम, एंड उसको मैं कर देता हूँ हारून, इसको ऐड कर दें। सही है। अब ये देखें ये की वैल्यू पेयर्स है हमारे पास। इसी तरह आपके पास जो है ना इसमें हमारे पास जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, मतलब हमारे पास एक ट्री बनती है। जिस तरह हमारे पास जेसॉन का ऑब्जेक्ट था ना उसकी ट्री बनती है, सेम एग्जैक्ट तरीके का ये भी फॉलो करता है। लेट सपोज ये देखिए हमारे पास क्या था, जेसॉन का ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर फिर नेम था, फिर एड्रेस था। अब एड्रेस के अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, तो सेम तरीकेकार यहाँ पर भी फॉलो होता है रियल टाइम डेटाबेसिस में। इसको मैं लेट सपोज कैंसिल करता हूँ, इसको मैं सेम जो यही एड्रेस है ना वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ये देखें लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं नेम डालता हूँ, उसमें फिर उसके बाद एड्रेस डालता हूँ। तो देखते हैं हम इसको, हम यह काम करते हैं नेम, इसको मैं फर्स्ट करता हूँ स्टूडेंट इन्फो इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, एंड स्टूडेंट इन्फो में मैं क्या ऐड करता हूँ, एड सपोज फर्स्ट मैं करता हूँ एड नेम, नेम को मैं कह देता हूँ हारून, एंड मैं सेकंड जो फील्ड ऐड करता हूँ उसको मैं करता हूँ एड्रेस। सही है। अब एड्रेस के अंदर मैंने मल्टीपल फील्ड ऐड करने हैं, तो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे हाउस, हाउस लेट सपोज 20, एंड देन स्ट्रीट नंबर, एंड स्ट्रीट नंबर मैं ऐड करता हूँ लेट सपोज लेट स्ट्रीट नंबर 5 है, एंड स्ट्रीट नंबर 5 हाउस एंड सिटी पिशावर 8। अब ये देखें जिस तरह हमारे पास डेटा यहाँ पर की वैल्यू फॉर्मेट में बना हुआ है ना, तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास डेटा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, जो फायर का जो फायरबेस का जो रियल रियल टाइम डेटाबेस है। अब ये देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पूरा, सही है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नेम है और दूसरा एड्रेस है। अब एड्रेस के अंदर हमारे पास फिर अंदर और की वैल्यू पेयर्स है, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है ना वो एग्जैक्ट सेम जेसॉन फॉर्मेट की जो की वैल्यू पेयर्स हैं उसी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। सो दिस इज व्हाट रियल टाइम डेटाबेस लुक्स लाइक। इसके बाद जो अच्छा जो हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उसमें टेबल्स होते हैं, टेबल्स में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, जबकि यहाँ पर टेबल्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास वो ट्री बनती है। सही। ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाते हैं, फिर अगर हम डिटेल में जाते हैं तो उस पर एक पूरा कोर्स बन सकता है। सो जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। सही है। अच्छा अब क्लाउड फायर स्टोर में और रियल टाइम डेटाबेस में डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, इसको मैं चलो करता हूँ म्यूजियम्स, ऑटो आईडी पेशावर म्यूजियम। अच्छा अब हमारे पास ये जो क्लाउड फाइल स्टोर है ये असल में रियल टाइम डेटाबेस का एक एडवांस वर्जन है। सही है। जो MongoDB है, MongoDB भी तकरीबन तकरीबन सेम है, वो भी हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस है, तो भी तकरीबन सेम इसी तरह काम करता है। फिर हमारे पास जो क्लाउड फाइल स्टोर है वो रियल टाइम डेटाबेस का एक एडवांस फॉर्मेट है, एक एडवांस वर्जन है। सही है। एक्चुअली बैकएंड पे डेटा हमारे पास सेम जो रियल टाइम डेटाबेस है उसी की तरह स्टोर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कलेक्शन होता है, इसमें यहाँ पर आपके पास कलेक्शन नहीं होते। अगर आपने कलेक्शन बनानी है तो अपने तरतीब से कलेक्शन बनानी पड़ेगी, मतलब ग्रुप्स में अगर आपने डेटा को डिवाइड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैंने ग्रुप ग्रुप में डिवाइड करना था, उसके लिए मैंने एक अलग वो ट्री बनाया हुआ है। सही है। ये अलग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का ट्री है। लेट्स सपोज मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट्स सपोज मैं करता हूँ टीचर इन्फो। सही है। टीचर इन्फो है, एंड टीचर इन्फो के अंदर सपोज का नेम, टीचर का नेम है। सही है। अब ये देखें ये हमारे पास अब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन गए हैं। सही है। तो अब इसको एज अ कलेक्शन समझ लें।
एज अ कलेक्शन आप इसको समझ सकते हैं। जबकि इस चीज को थोड़ा सा जो जो स्कीमा का डिजाइन है उसको सिंपलीफाई करने के लिए फिर फायरबेस ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड क्लाउड फायर स्टोर। तो क्लाउड फॉर फायर स्टोर जो है ना, ये रियल टाइम डेटाबेस का एक एडवांस वर्जन ही है। अब इसमें हमारे पास कलेक्शन होते हैं और कलेक्शन के अंदर हमारे पास फिर डेटा होता है। अब ये देखें इसमें क्या होता है, हमारे पास ये म्यूजियम्स का एक कलेक्शन है, म्यूजियम कलेक्शन के अंदर हमारे पास फिर एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट में वो रिलेटेड डेटा होता है। सही है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट एड करता हूँ, लेट सपोज को मैं नाम रखता हूँ हरिपुर म्यूजियम। अब ये देखें, अब इसमें हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें दो डॉक्यूमेंट्स का डेटा आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट वन है, ये डॉक्यूमेंट टू है। सही है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमारे पास कलेक्शन, एंड कलेक्शन के अंदर फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक और सब कलेक्शन भी डाल सकते हैं, सही, आपकी मर्जी है, डाल सकते हैं इसमें, बट उस तरफ फॉर टाइमिंग हम नहीं जाते, हम आप चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। सही है, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, यहाँ पर हमने थोड़ा डेटा ऐड करना है। सही है, और डेटा कौन सा होगा, यही म्यूजियम्स का डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सही है, तो मैं यहाँ पे ये स्कीमा देखता हूँ, इसमें हमारे पास क्या क्या था, और उसी को हम एक डॉक्यूमेंट्स, एक दो तीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास डेटाबेस सर्विसेज थी, अच्छा म्यूजियम है, तो म्यूजियम के अंदर दो चीजें हैं, एक उसका जो है ना वो म्यूजियम का टाइटल है, दूसरा उसका जो है ना वो एड्रेस है। एक और भी चीज थी मेरे ख्याल में, वो इमेज यूआरएल। सही है, तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना के उसमें डाल देंगे। इसको डिलीट नहीं करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स डिलीट करते हैं, अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इसमें, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये डेटा डाल देते हैं। सो लेट्स ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट ओवर हियर, इसको हम ऑटो, यहाँ पे असल में डॉक्यूमेंट आईडी आती है हर डॉक्यूमेंट के साथ। सही है, जैसे हमारे पास वो प्राइमरी की की अब एग्जांपल ले लें, जो एसक्यूएल में हम बना देते हैं, तो सेम यहाँ पे एक की आती है इसके साथ, इसको हमने मैंने ऑटो आईडी कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर टाइटल एड्रेस एंड इमेज यूआरएल, और तीनों हमारे पास स्ट्रिंग्स है ना, तो टाइटल, अच्छा यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, डेटा टाइप जो इसमें अवेलेबल है, मैप है, अरे है, नल है, टाइम स्टैम्प है, जियो पॉइंट एंड रेफरेंस है। सही है, तो टाइमिंग हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आके उसको देख सकते हैं। सो टाइटल को मैं करता हूँ पेशावर म्यूजियम, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है टाइटल एड्रेस, एंड एड्रेस को मैं करता हूँ जेल रोड पेशावर, एंड जो थर्ड है वो हमारे पास है इमेज यूआरएल। अब लेट सपोज हमारे पास इमेज यूआरएल नहीं है, उसको आप नल रखना चाहते हैं तो उसको हम नल रख देते हैं। सही है, अगर आप लेट सपोज उसको रखना है, बट एक्चुअली इमेज यूआरएल हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही होता है, स्ट्रिंग को मैं रख के मैं उसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। सही है, सो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट म्यूजियम का एक डॉक्यूमेंट है। सही है, अब ये देखें इसमें भी सेम एग्जैक्ट वही की वैल्यू फॉर्मेट्स में यहाँ पे डेटा हमारे पास स्टोर है, ये की है, ये उसकी वैल्यू, ये की है, ये उसकी वैल्यू, की एंड उसकी वैल्यू। सही है, अब इसमें और भी डेटा टाइप्स है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, इसको मैं ऑटो आईडी करके उसका टाइटल रखते हैं हरिपुर म्यूजियम, हरिपुर म्यूजियम, एंड सेकंड जो है उसको हम रखते हैं एड्रेस, उसको भी हम करते हैं जेल रोड हरिपुर, उसका मुझे एड्रेस नहीं पता, एंड इमेज यूआरएल को हम एमडी छोड़ देते हैं। सही, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास दो म्यूजियम्स का डाटा मौजूद है यहाँ पर। सही है, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो इस डाटा को यहाँ से फिच करना है, और हमारा जो एप्लीकेशन था यहाँ पर, इस एप्लीकेशन में हमने डिस्प्ले करना है। एक मिनट, यहाँ पर ये यह हमारा एप्लीकेशन था, अच्छा अभी तक ये जो डेटा, ये जो डेटा था ये हमारे पास डायनेमिक नहीं था, स्टैटिक था, जो कि हमारे पास इमेज यूआरएल से आ रहा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये एक्चुअली हमारे पास हमने वो दूसरी जगह से आ रहा है, बट एनी हाउ वन मिनट सॉरी। ओके सो अभी तक जो यहाँ पर हमारे पास डेटा था, ये जो डेटा है ये हमारे पास मॉक डेटा है, जो कि डेटाबेस सर्विसेज से आ रहा था।
किसी डेटाबेस से नहीं आ रहा ये डेटा, सही है। अभी हम क्या करेंगे, ये सेम डेटा हम यहाँ पे, ये जो दो म्यूजियम का डेटा है इसको हम डेटाबेस से उठा के यहाँ पर अपने साथ यहाँ पे आपको हम डिस्प्ले करेंगे, सही है। तो यहां तक हमारा, हमारे जो कंटेंट्स थे उसके कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली फायरबेस की, सही है। अब फायरबेस का जो बेसिक डेटा, डेटा का जो बेसिक सेटअप है वो आपको मैंने बता दिए हैं कि हम यहाँ पे डेटा कैसे अपना मॉडल करेंगे। डेटा डेटा मॉडलिंग से हमारा मतलब था कि आपने यहाँ पर अपना डेटा कैसे मॉडल करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, म्यूजियम्स की एक लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक कलेक्शन चाहिए होगा। जिस तरह हमारे पास टेबल है ना, टेबल सपोज आपके पास म्यूजियम है तो उसके लिए आपको एक टेबल चाहिए होगा, तो यहाँ पर उसको टेबल के बजाय हम यहाँ पे उसके लिए कलेक्शन बनाएंगे, सही है। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास और क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इवेंट्स वगैरह भी हैं, सही है। तो इवेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, इवेंट्स को मैं इसी सेम सर हमारे पास इवेंट्स के लिए अलग सा टेबल बनेगा एसक्यूएल में, सही है, रिलेशनल में। तो यहाँ पर भी इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से कलेक्शन बनाएंगे, सही है। उसको मैं इवेंट्स कर देता हूँ, एंड इवेंट्स, इवेंट्स को मैं यहाँ पे आईडी एंड नेम एंड टेस्ट, सही है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स का एक और कलेक्शन हमारे पास बन गया है, मतलब आप ये समझ लें कि हमारे पास दो टेबल्स बन गई है, सही। अब मैं यहाँ पे कुछ इवेंट्स का डेटा भी डाल देता हूँ। हम जाते हैं मॉडल्स के अंदर, कोर मॉडल्स, एंड यहाँ पर हमारे सॉरी डेट्स एग्जीबिशन, इसको हम डिलीट करके इसको हम एग्जीबिशन के नाम देते हैं। ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन को डिलीट करना है, events, it's deleted over here. नया कलेक्शन बनाते हैं, उसको हम देते हैं exhibitions, इसको auto ID, and यहाँ पे हमें जो data add करना है वो क्या क्या है, title, address, date, and URL, सही, title, and title को हम करते हैं food, Peshawar food festival. जो next field है वो हमारे पास है अच्छा जो next field है वो क्या है, title का address है, तो इसको हम address कर देते हैं, एंड एड्रेस को हम क्या करते हैं, नमक मंडी पिशावर, सही है। एड्रेस मैंने नमक मंडी पिशावर डाल दिया है, एंड उसके बाद फिर क्या है, डेट है, एंड इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल हमारे पास क्या होगा, एंड इसको हम कराते हैं एम्प्टी रख देते हैं इसको। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डेट है, डेट एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे डेट कभी टाइम स्टैम्प है, बट उसको हम राइट नाउ क्या करते हैं, इसको हम भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं, ये इसको रहते हैं मंडे, सही है। तो यहां पर हमारे पास एग्जीबिशंस का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, सही है। अच्छा तो हम करते हैं जो नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट करते हैं ऑटो आईडी, उसको मैं नाम देता हूं नेम, सॉरी नेम नहीं बल्कि टाइटल, एंड टाइटल इसका क्या था, फूड अहमदाबाद फूड फेस्टिव, अहमदाबाद फूड फेस्टिव, एंड उसका एड्रेस हमने क्या रखा है, एड्रेस इसको भी चलो हम नमक मंडी कर देते हैं, एंड उसके बाद डेट था, तो डेट को भी हमने एम्प्टी रखा था, एंड इमेज यूआरएल है, उसको भी कर देता है मंडे, इसको ट्यूसडे कर देता है, एंड इमेज यूआरएल को हमने नल कर दिया है, सही है। तो यहाँ पर हमने दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं उसके लिए, एग्जीबिशंस के लिए, सही है। एक हमारे पास एबटाबाद फूड फेस्टिवल है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो पिशावर फूड फेस्टिवल है। So, ये दो हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं उसके लिए, एंड म्यूजियम्स के लिए भी हमने यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसमें क्या क्या होगा,
अब अपने एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेशन में हमारा जो हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है उसको हम यहाँ से डेटा उठा के हम वहां पे डिस्प्ले करेंगे, सही है। बट फॉर नाउ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए। विद इन 15 मिनट्स वी स्टार्ट अगेन इंशाल्लाह। 15 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। राउंड अबाउट 4:30 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू अगेन फॉर शॉर्ट ब्रेक। सॉरी, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चन एट द एंड, सही है। अपने साथ अपने क्वेश्चन अपने जहन में रखें, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे दोबारा से। I'll share another link soon.